आप आते हो क्या? आप मेहनत करते हो क्या? आप टीचर हो क्या? आप अली के भाई हो क्या? क्या ऐसे सेंटेंसेस आप बोलते होंगे? डेली लाइफ में ज़रूर बोलते होंगे। क्या आपको पता है ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंग्लिश में ऐसे सेंटेंसेस को कहा जाता है क्वेश्चन टैग्स। तो आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन टैग्स और क्वेश्चन टैग्स इंग्लिश के अंदर कैसे बनेंगे। आज ये इस वीडियो के बाद आपको 100% क्लियर होने जा रहे हैं क्वेश्चन टैग्स। अभी ये अगर इंग्लिश में आप बात करना चाहते हैं, क्वेश्चन टैग्स यूज़ करना चाहते हैं, इस तरह से इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, तभी भी ये वीडियो आपके फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा ऐसे क्वेश्चन डिफरेंट टेस्ट में भी जरूर आते हैं। तो आज एक नहीं, हर तरह से कहीं पे भी बोलने में यूज करेंगे तभी क्लियर, लिखने में यूज करेंगे तभी क्लियर, और किसी टेस्ट में आ जाए तभी क्लियर। तो हर तरीके से चीज को क्लियर करने वाला हूं मैं। तो क्वेश्चन टैग्स में, क्वेश्चन टैग्स, अभी इन क्वेश्चन को हमेशा टैग्स होती है, लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए और वीडियो को देख के कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो यहां पर देखते हैं क्वेश्चन टैग्स है क्या, एक्चुअली केस क्या है। क्वेश्चन टैग का मतलब यह होता है कि आप अपने सवाल के अंदर कोई सवाल पूछते हैं। तो इसका रूल क्या है? इसका रूल यही है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग बनता है नेगेटिव में। नेगेटिव में कैसे बनेगा भाई क्वेश्चन टैग? तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में ऐसे बनेगा, देखें अभी, जैसे मैं ये कहूं कि इट इज़ अ बुक। अब ये मुझे ये बताएं क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ बुक मतलब ये एक किताब है। तो ये मुझे बताएं ये पॉजिटिव सेंटेंस है या नेगेटिव? ये तो आपको पता होगा ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद क्या कहेंगे, इजंट इट लिखेंगे। अभी आप मुझसे पूछेंगे सर इजंट इट क्यों आया, तो मैं आपको यही कहूँगा कि इसका रूल है कि जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसी का ही इंट्रोगेटिव बनेगा, लेकिन नेगेटिव में लेकिन टेंस सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ पे ये यहाँ पर जो टेंस है वही टेंस यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, इज़ है, तो यहाँ पर भी इज़ यूज़ होगा, वाज यूज़ नहीं होगा। मीन्स यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है टेंस वही सेम टेंस आगे होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या आएगा, सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस चेंज हो जाएगा नेगेटिव में। किस तरह से, फिर मैं ये कहता हूँ ही कम्स हेयर। अभी यहाँ पर देखें ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सेंटेंस है, ही कम्स हेयर वो यहाँ आता है। अभी इसका आगे क्या आएगा, यहाँ पर तो कोई इज़ है ही नहीं, यहाँ पे आर है ही नहीं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कम्स। तो कम्स क्या है, फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डू या डज। तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, जब सिंपल टेंस है तो मैं क्या कहूँगा, डजंट ही। क्या कहेंगे, डजंट ही। तो हमें पता चला डजंट क्यों लगा भाई, क्योंकि ये सेंटेंस पॉजिटिव में, ये होगा नेगेटिव में, चले नेगेटिव बना लिया। और उसके बाद टेंस सेम होना चाहिए, ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल कम्स एसीआईएस का इजाफा प्रेजेंट सिंपल में। तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी नेगेटिव सेंटेंस और ये टेंस सेम है। अभी तीसरे सेंटेंस पर चलते हैं, ही टोल्ड यू, इसने आपको बताया। आगे देखते हैं क्या आएगा, अभी इस सेंटेंस के अंदर क्या आएगा। ये तो हमें पता है कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इधर आएगा नेगेटिव सेंटेंस। अभी टेंस कौन सा आएगा, टेंस वही आएगा जो पहले यूज है। टेंस कौन सा है भाई, टोल्ड क्या है, सेकंड फॉर्म। अभी यहाँ पे डू या डज यूज नहीं होना, क्या यूज होना है, डिड यूज होना है। क्या कहेंगे, डिडंट ही। क्या कहेंगे, डिडेंट ही। अभी डजेंट ही नहीं हो सकता, डजेंट ही क्यों नहीं हो सकता, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे टोल लिखा हुआ है। यहीं पे हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर लिखते हैं दे विल हेल्प अस, वो हमारी मदद करेंगे। अभी ये टेंस, अभी ये तो हमें पता चल गया कि सर ये पॉजिटिव सेंटेंस है, जब पॉजिटिव है तो आगे वाला सेंटेंस नेगेटिव में आएगा, जब नेगेटिव में आएगा लेकिन टेंस कौन सा होगा, वही सेम जो टेंस है। अभी इसके अंदर देखें टेंस क्या है, चेंज है, क्या है, फ्यूचर है। तो आगे क्या यूज़ होगा, वॉन्ट दे, क्या यूज़ करेंगे, वॉन्ट दे, क्योंकि वॉन्ट क्या है, शॉर्ट फॉर्म है विल की। तो विल मीन्स विल दे नॉट, या कहेंगे, क्या कहेंगे, विल दे नॉट। तो यहाँ पे हमें पता चला, अभी एक और भी सेंटेंस लिखता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्चुअली 100% क्लियर हो जाए। मैं ये कहूँ कि ही वॉज विद हर, वो उसके साथ था। अभी मुझे पता नहीं,
आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन टे कैसे बनेगा। अब ही वॉज विद हर, वो उसके साथ था। आगे हम यहाँ पे करते हैं, टेंस कौन सा आएगा। टेंस तो हमें पता है, जो पीछे यूज है वही टेंस। और सेंटेंस कौन सा आएगा, ये हमें कैसे पता चलेगा कि आगे आगे वाले सेंटेंस में नॉट आएगा नहीं। अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अगर यहाँ पर सेंटेंस नेगेटिव है तो यहाँ पे बन जाएगा पॉजिटिव। तो मींस ये बरक्स ये होता है। लेकिन सिर्फ एक चीज़ याद रखनी होती है हमें, टेंस सेम होना चाहिए। टेंस जो स्ट्रक्चर है वही टेंस। अगर ये प्रेजेंट, आगे वाला प्रेजेंट, एक पास्ट, आगे वाला पास्ट, ये फ्यूचर तो आगे वाला फ्यूचर, तो टेंस सेम। और दूसरी चीज़ क्या, अगर पहले वाला सेंटेंस पॉजिटिव है जिसमें नॉट नहीं है तो नेक्स्ट सेंटेंस में नॉट आएगा। अगर पहले में नॉट है तो दूसरे सेंटेंस में नॉट नहीं आएगा, डबल नेगेटिव नहीं होगा। यहाँ पर देखते हैं, ही वॉज विद हर, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, वाजंट, वाजंट ही, क्या कहेंगे, वाजंट ही। क्यों वाजंट ही होगा, क्योंकि यहाँ पे वॉज लिखा हुआ है। अभी नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम। ये तो हमने सीखा कि अगर पहला सेंटेंस पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव में जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि पहला सेंटेंस नेगेटिव में हो और दूसरा पॉजिटिव में आ जाए तो कैसे कहेंगे। अभी ये भी क्लियर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँगा कि ही डज नॉट, He does not help me. अब यहाँ पर he does not help me, वो मेरी मदद नहीं करता है। आगे क्या बनेगा भाई, does he, क्या कहेंगे, does he. क्यों doesn't he नहीं, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें already not है तो इसमें not नहीं आएगा। यहीं पे कहते हैं he did not tell me, he did not tell me, तो इसमें क्या है, not already है। आगे क्या आएगा भाई, did he क्यों हो गया, क्योंकि टेंस तो सेम फॉलो करना है ना। यहाँ पे टेंस क्या है, पास्ट है, तो आगे भी पास्ट होना है। आगे कहते हैं they will not come here, they will not come here, तो आगे क्या आएगा, won't they या will they, यहाँ पर आएगा will they, won't they नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा not, क्योंकि won't में not आ रहा है, तो ये इसमें not आ गया तो आगे not नहीं आना। तो इसका मतलब क्या है कि दो ही चीज़ें हैं, दो ही कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर। एक ये है कि आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए कि अगर पहला सेंटेंस पॉजिटिव है, इसमें नॉट नहीं है तो इसमें पक्का नॉट आएगा, अगर इसमें नॉट है तो इसमें नॉट नहीं आएगा। ये तो हमें पता चल गया। और दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है कि यहाँ पे जो टेंस होगा वही सेम टेंस का आगे सेंटेंस होगा। ये याद रखना है आपको। अगर मैं कहता हूँ आई हैव अ मोबाइल तो मैं कहूँगा डोंट आई, डोंट आई कहूँगा। क्यों, क्योंकि हैव का नेगेटिव बनाने के लिए डू या डज लगता है। यहीं पर कहता हूँ आई हैड अ मोबाइल तो फिर मैं क्या कहूँगा, डिड आई। यहीं पर मैं कहता हूँ के आई प्ले क्रिकेट, क्या कहूँगा, डोंट आई। आई प्लेड क्रिकेट, फिर क्या कहूँगा, डिडंट आई। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर हमें पता चला कि ये चीज़ें आपकी 100% क्लियर हो गई होगी, होपफुली। मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे 100% लग रहा है कि आपकी ये आपकी चीज़ें बिल्कुल 100% क्लियर हो गई होंगी। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ही कर लें।